तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो वीडियो आता है नए नए बिजनेस आइडिया पे आधारित होती है। तो जैसा आप जानते हैं कि नए नए बिजनेस आइडिया, लोगों के मन में सवाल होता है कि आप आखिर बिजनेस कैसे करें। सबसे फर्स्ट जो सवाल होता है माइंड में, सबसे होता है कि बिजनेस कैसे करें, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें ताकि हमें लॉस ना हो। तो दोस्तों, होता है कि जैसे आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बिजनेस कौन सा करें, तो बिजनेस ए आप अपने दिलचस्पी के अनुसार कीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो बिजनेस करने में आपको मजा है। मजा के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट सवाल का जवाब मैंने दे दिया। दूसरा सवाल होता है यार कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या प्रॉफिट होगा। तो ये सारे मशीन जैसे जैसा बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके आधार पे आपको वैसा आपको पैसा लगता है, उसमें खर्च होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो जितना बजट का आप मशीन, जैसा आप अपना एक बजट बना लो कि मुझे 50,000 खर्च करना है मशीन, रॉ मटेरियल सारा कुछ लेकर के। कोई अपना बजट बना लो 1,00,000 रुपए खर्च करना है मशीन, रॉ मटेरियल लेकर के। किसी को 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसा आपका बजट हो वैसा बजट आप बना सकते हैं। तो बजट के हिसाब से अगर आप काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और टाइम लगता है। बहुत सारे लोग का सवाल होता है कि सर हम तो ये बिजनेस स्टार्टअप किए लेकिन मेरा फेल हो गया। तो दोस्तों, फेल आपका बिजनेस नहीं हुआ, आप फेल हो गए, क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया। आप चाहते हो कि तुरंत बिजनेस स्टार्टअप करें और तुरंत हम ग्रोथ कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप के मन में हमेशा यही होता है कि आज मशीन मैंने लगाया, खरीदा कहीं से मशीन, और आज हम पैसा इन्वेस्ट किया, कल से हम पैसा कमाना चालू हो जाए। तो सर ऐसा नहीं होता है जैसा कि आप लोग सोचते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बिजनेस में आपको टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा। पूंजी इन्वेस्ट तो होता ही है, उसके साथ में मेहनत भी इन्वेस्ट होता है। मेहनत के साथ में अगर आप बिजनेस करेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का। या आप चाउमीन बेचो, या गोलगप्पे बेचो, या रेस्टोरेंट खोल रहे हो, या होटल खोल रहे हो, कोई स्मॉल बिजनेस मशीनरी हमसे खरीद कर ले जा रहे हैं और बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको टाइम देना होता है। विदाउट टाइम को आप दिए हुए आप एक सफल उद्यमी नहीं बन सकते। जैसा कि हमारे बिहार सरकार ने भी बहुत सारा योजना चलाया, उद्यमी योजना चल रहा है अभी, जिसमें 10,00,000 रुपया बिहार सरकार गवर्नमेंट दे रही है लोगों को रोजगार करने के लिए, प्रोत्साहित कर रही है। तो आप उस योजना का लाभ उठा करके भी आप मशीन खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उससे आप अपना उद्योग बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में एक और योजना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, उसके तहत भी हमारे योजना है हमारे देश में। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री उद्यमी योजना होता है। उस योजना के तहत आप 25,00,000 रुपया तक का लोन लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस। बहुत सारे उसमें कैटेगरी है, तो लोगों को पता नहीं होता। ये सब सारे लोग सोचते हैं यार आखिर मेरे पास पैसा कहां से आएगा। तो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है। तो हम आपको इसी तरीके का आइडिया देते हैं, बिजनेस आइडिया देते हैं, ताकि आप नया नया बिजनेस स्टार्टअप करें। और योजना के बारे में अगर पूरा जानकारी लेना होगा आपको, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया होगा उस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और या अगर आपको फोन पे जानकारी लेना चाहते हैं तो फोन पे आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए तो आप आकर के बिजनेस के पूरी जानकारी आप हमारे ऑफिस में विजिट करके। हमारे यहाँ मात्र 10,000 रुपया से मशीन स्टार्टअप हो जाता है, जो कि 10,00,000-15,00,000 तक की मशीनें हम लोग सेल करते हैं। तो बहुत तरीके का बिजनेस स्टार्टअप है हमारे पास। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन कौन सा बिजनेस है। आप सेकंड वीडियो भी जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे। तो अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नया जो वीडियो मैं अपडेट करूंगा उसका आपको लाइव मिल जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।